जिसने हिजाब और कुरान बैन करने का किया ऐलान, भारत का दोस्त वो डच सांसद बनेगा अपने देश का प्रधानमंत्री। हिंदुओं के लिए वो लड़ गया था दुनिया के 57 मुस्लिम देशों से, पीएम बनकर अपने देश से गायब कर देगा मस्जिदें। वो भारत का दोस्त और मोदी का चेला, लोग कहते उसे इस्लाम का दुश्मन, कौन है दुनिया हिलाने वाले गिल्ट बिल्डर्स। दुनिया के कई मुस्लिम देश उसे मोदी का चेला कहते, वो भारत का दोस्त है और अकेले पूरी दुनिया के कट्टर मुस्लिमों को रुलाता है। हिंदुस्तान और हिंदुओं पर जब संकट आता है, दीवार बनकर ये शख्स खड़ा हो जाता है। आईएसआईएस सहित दुनिया के सभी आतंकियों के हिटलिस्ट में गिल्ट बिल्डर्स का नाम है, लेकिन वो नूपुर शर्मा का समर्थन करने से भी नहीं डरते। पीएम बनने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि प्रधानमंत्री बनकर अपने देश से मस्जिदों को गिरवा दूंगा। उसने कुरान और हिजाब पर बैन लगाने की भी बात कही, अब वो अपने देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पाकिस्तान और तुर्की जैसे कुछ मुस्लिम देश गिल्ट बिल्डर्स को इस्लाम का दुश्मन भी मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद गिल्ट क्या करने वाले हैं और भारत से इनका क्या रिश्ता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। गिल्ट वाइडर्स पिछले करीब 25 साल से नीदरलैंड के सांसद हैं और कट्टर मुस्लिम विरोधी नेता हैं। गिल्ट वाइडर्स भारत के दुश्मनों को अपना भी दुश्मन मानते हैं। गिल्ट वाइडर्स पाकिस्तान को आतंकी देश बता चुके हैं और कश्मीर को हमेशा भारत का हिस्सा मानते हैं। इसके साथ ही पीओके को भी भारत का हिस्सा बताते हैं। पिछले साल जब नूपुर शर्मा ने पैगंबर पर विवादित बयान दिया था, मोदी शाह ने भी नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन गिल्ट बिल्डर्स ने नूपुर शर्मा के लिए दुनिया भर के मुस्लिम देशों से लड़ाई लड़ी और भारत के हिंदुओं को एक होने के लिए कहा था। गिल्ट बिल्डर्स ने कहा था कि नूपुर को पैगंबर मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। गिल्ट ने नूपुर को हीरो बताया था। गिल्ट ने कहा था कि नूपुर शर्मा पर दुनिया को गर्व होना चाहिए, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। भारत एक हिंदू देश है और भारत सरकार को इस्लामी नफरत के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। गिल्ट वाइडर्स कई बार कह चुके हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो भारत के साथ वो मिलकर इस्लामिक आतंकियों को खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, गिल्ट वाइडर्स ने अपने देश नीदरलैंड के अंदर हिजाब और कुरान को बैन करने का भी सुझाव दे चुके हैं। इसके साथ ही मस्जिदों पर बैन लगाने की बात कह चुके हैं। नीदरलैंड में चुनाव वैसे वक्त में कराए गए हैं जब अवैध मुस्लिम शरणार्थियों के प्रवेश को लेकर बवाल मचा। 13 साल से सत्ता में बैठी नीदरलैंड की मार्क रूटे सरकार जुलाई में गिर गई थी। इसके बाद गिल्ट वाइडर्स अपनी पार्टी के साथ इस्लाम के खिलाफ और हिंदुओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। जिस तरह से भारत के अंदर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुस्लिम घुसपैठ करते हैं, नीदरलैंड में भी ऐसा ही होता है और फिर आतंक फैलाते हैं। नीदरलैंड के चुनाव में सबसे ज्यादा 37 सीटें गिल्ट वाइडर्स की पार्टी को मिली। गिल्ट वाइडर्स अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम देश डर गए। मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। सबसे ज्यादा इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही अपने देश नीदरलैंड से क्या हिजाब और कुरान को बैन कर देंगे। इतना ही नहीं, कई मस्जिदें भी अपने देश से खत्म न कर दें। अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। गिल्ट वाइडर्स हमेशा भारत के साथ खड़े रहे। ऐसे में गिल्ट वाइडर्स के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी से रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले। गिल्ट को इस्लाम का दुश्मन भी कुछ लोग मानते हैं। यही वजह है कि इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ही पूरी दुनिया में इसका असर होगा और सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया और भी ज्यादा प्रभावित होगा। अब लगता है यूरोप के बाकी देशों में भी बहुत कुछ बदलने वाला है। गिल्ट बिल्डर्स अगर नीदरलैंड के पीएम बनते हैं तो ये भारत के लिए खुशखबरी है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।